हेलो डियर स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट आई एम ओ फॉर क्लास सेवन विद चैप्टर नंबर चैप्टर वन इज इंटीजर्स तो स्टार्ट करते हैं विद मैथमेटिकल रीजनिंग फर्स्ट क्वेश्चन इज डायरेक्शन इज द फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस ऑफ द प्लेस ऑन फर्स्ट डे ऑफ सिक्स मंथ्स मीन्स कि ये जो नंबर लाइन है ये क्या शो कर रही है एक ही प्लेस की है और सिक्स मंथ्स हैं जनवरी दिसंबर मार्च मई जुलाई जून इन सब की फर्स्ट डे की टेम्परेचर को ठीक है तो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डेट द टेम्परेचर वॉज मिनिमम अब हमें यहाँ बताने हैं कि किस दिन टेम्परेचर मिनिमम था तो नाउ प्लीज रिमेम्बर केस ऑफ नंबर लाइन जब हम मोर नेगेटिव होते हैं मीन्स हम मिनिमम होते हैं मोर पॉजिटिव मींस जैसे जैसे हम पॉजिटिव की तरफ बढ़ते हैं वैल्यू हमारी मैक्सिमम होती जाती है तो यहाँ हमें मिनिमम देखना है तो यहाँ पर हमें देखना होगा वो मंथ जिसका टेम्परेचर मोर निगेटिव है तो नाउ यू कैन सी जनवरी जो है वो जीरो से बहुत दूर है मीन्स मोर निगेटिव है तो जनवरी का टेम्परेचर मिनिमम होगा और डेट क्या होगी फर्स्ट जनवरी बिकॉज हर मंथ का ये डेट वन है ठीक है नाउ ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मच वॉज द इंक्रीज इन टेम्परेचर फ्रॉम मे टू जून मे से जून में टेम्परेचर में कितने का इंक्रीमेंट है इंक्रीज है कितना टेम्परेचर बढ़ा है तो वी हैव टू कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ जून एंड मे तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं फॉर जून जून ये है दिस लाइन फॉर ट्वेंटी फाइव एंड दिस इज टेम्परेचर ऑफ जून एक लाइन पहले मीन्स जून का टेम्परेचर हो गया टू फोर डिग्री सेल्सियस ट्वेंटी फोर डिग्री सेल्सियस नाउ मे की बात करें तो मे जो है टेन ये है इलेवन ट्वेल्व एंड थर्टीन तो मे का टेम्परेचर क्या हो गया थर्टीन डिग्री सेल्सियस तो नाउ हम देख लेते हैं कि कितना टेम्परेचर बढ़ा है मे टू जून में तो हम इसका क्या करेंगे डिफरेंस लेंगे डिफरेंस लेंगे तो वी गेट द आंसर तो डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा ट्वेंटी फोर थर्टीन डिफ्रेंस लिया फोर से थ्री माइनस किया वन टू से वन किया वन इलेवन डिग्री सेल्सियस मींस ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस नंबर थ्री इवेलुएट दिस टर्म इस टर्म को इवेलुएट करने के लिए हमें बॉर्ड मास यूज करना पड़ेगा बॉर्ड मीन्स हमें पहले ब्रैकेट देन ऑर्डर देन डिवीजन देन मल्टीप्लीकेशन देन एडिशन देन सेब्ट्रैक्शन ये करना है ठीक है तो हम वन बाई वन करेंगे उससे भी पहले एक और चीज यहाँ पर साइंस का प्रोडक्ट हो रहा है तो प्लीज रिमेंबर इफ बोथ साइंस आर डिफरेंट मीन्स अगर हम माइनस को प्लस के साथ प्रोडक्ट करें या प्लस को माइनस के साथ प्रोडक्ट करें तो फाइनल जो आंसर का साइन होता है वो माइनस होगा अगर हमारे दोनों ही साइन सेम हैं मींस माइनस को माइनस से प्रोडक्ट करें प्लस को प्लस से प्रोडक्ट करें तो हमें क्या आंसर में मिलता है पॉजिटिव इन दिस क्वेश्चन सबसे पहले माइनस सिक्सटीन अंडर ब्रैकेट देन डिवीजन साइन फर्स्टली हम जो अंडर के हमारे सर्कल ब्रैकेट है उनको ओपन करेंगे स्मॉल वाले तो मैंने माइनस थर्टीन लिखा देन क्या है प्लस और माइनस प्लस माइनस से क्या हो जाएगा माइनस ठीक है तो यहाँ क्या हो जाएगा 13 था ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय यहाँ क्या है माइनस सिक्सटी को अगर हम माइनस सिक्सटी से डिवाइड करें डिविडेंड का मीन्स ये होता है ना दोनों ही सेम है तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी वन तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख देती हूँ क्या वन ठीक है ना इधर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आएगा माइनस सिक्सटीन डिवाइड बाय माइनस थर्टीन माइनस थ्री दोनों का साइन सेम है मीन्स क्या हो जाएगा सम तो यहाँ क्या होगा माइनस सिक्सटीन तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा माइनस सिक्सटीन डिवाइडेड बाई माइनस सिक्सटीन हमें क्या मिलेगा वन मीन्स आंसर क्या होगा वन ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर फाइंड पी एन क्यू हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है पी एन क्यू की फर्स्ट स्टेटमेंट इज द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज सेवेंटी वन इफ वन ऑफ देम इज माइनस वन हंड्रेड वन देन अदर इंटीजर इज पी ठीक है तो हम इससे पी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके अकॉर्डिंगली यहां पर क्या है माइनस वन जीरो वन ठीक है प्लस पी इज इक्वल टू सेवेंटी वन तो अब हमें पी चाहिए तो पी इज इक्वल टू इस वैल्यू को हम इक्वल साइन के अपोजिट ले जाएंगे तो जब इसको अपोजिट साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में तो सेवेंटी वन प्लस वन जीरो वन ठीक है ऐड करेंगे तो पी विल बी इक्वल टू वन वन से टू सेवन जीरो सेवन और यहां वन वन सेवन टू अगर आप इसको सॉल्व नहीं करते तो भी आपको ऑप्शन मिल जाता कि तीन में में है तो P की तो की वैल्यू मिल गई नाउ के लिए द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर एंड इज अब क्वेश्चन क्लियरली मेंशन है कि अगर हम किसी इंटीजर को क्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा जीरो अब क्यू तो हम जीरो तो हमारा इंटीजर होगा नहीं तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो एक तो आप ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हो दूसरा आप क्या कर सकते हो सिंपल आप ऐसे भी कर सकते हो कि लेट x इज द इंटीजर x मल्टीप्लाइड q इज इक्वल टू जीरो टू जीरो टू जीरो मीन्स यू गेट द वैल्यू ऑफ q इज जीरो तो विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट हमें वो स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है जो गलत है द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर इज वन दिस इज करेक्ट सब्ट्रैक्शन डज नॉट ओबे क्यूमिटेटिव लॉ इन इंटीजर दिस इज आल्सो करेक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इंटीजर विथ अनलाइक साइन इज पॉजिटिव दिस इज नॉट करेक्ट मींस सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्योंकि मैंने पहले ही बताया था इफ साइंस आर लाइक तो होता है पॉजिटिव मींस कि आइदर पॉजिटिव पॉजिटिव का हम प्रोडक्ट करें या हम माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन करें ठीक है इन बोथ केस में पॉजिटिव होता है बट इफ साइंस आर अनलाइक मींस की अगर हम मल्टीप्लाई करें माइनस को विथ प्लस या प्लस को विथ माइनस तो वी गेट माइनस ठीक है सी इज द राइट ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सेंटेंसेस बेस्ट डिस्क्राइब द प्रॉब्लम शोन ऑन द नंबर लाइन ठीक है तो हमें बताना है कौन सबसे सही रिप्रेजेंट कर रहा है तो नाउ इसमें अगर आप देखो जीरो से हम लेते हैं जीरो से माइनस थ्री ठीक है सबसे पहले तो माइनस थ्री है ठीक है अब यहाँ से भी वन टू टू स्टेप और माइनस आगे गए मींस प्लस किया माइनस टू ठीक है ना यहाँ पहुँचे और यहाँ से हम वापस यहाँ आए तो यहाँ पे कितने डिविजन हम वापस आए देखो आप वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ठीक है एट आए कैसे राइट डायरेक्शन में तो ये क्या होगा प्लस एट ठीक है लेफ्ट जाएंगे तो माइनस राइट right आएंगे तो प्लस तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट फॉर दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस इज अब यहाँ पर देखो आप बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है आपने इसे बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना है ये देखो आप यहाँ भी प्रोडक्ट है यहाँ भी प्रोडक्ट है प्रोडक्ट है प्रोडक्ट है और यहाँ पे जीरो से प्रोडक्ट है अब किसी भी कितना भी बड़ा नंबर हो अगर हम उसको जीरो से प्रोडक्ट कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है जीरो मीन्स कि ये जो पूरा टर्म है दिस वन दिस बिकम्स जीरो क्योंकि यहां पे जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है सेम वे यहां प्लस साइन आया प्लस के दिस साइड जितने भी टर्म है इसको इस जीरो से मल्टीप्लाई किया इसलिए ये जीरो हो गया मीन्स जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस इन अ मैजिक स्क्वायर इफ ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम देन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली आर चलो ठीक है तो सबसे पहले वाले रो की वैल्यू क्या हो जाएगी वन प्लस माइनस टेन प्लस जीरो इज इक्वल टू वन माइनस टेन इज इक्वल टू माइनस नाइन माइनस नाइन क्यों आएगा टेन से हमने वन को माइनस किया तो हमें नाइन मिलेगा और टेन में माइनस है टेन बड़ा है माइनस ठीक है तो अब हमें सबका ईच रो की वैल्यू क्या होनी चाहिए माइनस नाइन ठीक है चलो अब हम सेकंड का करके देखते हैं यहां पर हमारा क्या होगा इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस टू इज इक्वल टू माइनस नाइन ठीक है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस तो नाउ ये दोनों माइनस साइन के साथ हैं तो ये क्या हो जाएंगे ए प्लस माइनस थ्री माइनस टू इज इक्वल टू माइनस नाइन ठीक है नाउ इट कैन बी रिटर्न ए प्लस माइनस फाइव इज इक्वल टू माइनस नाइन ठीक है नाउ अब हम इस फाइव को अपोजिट साइड लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा ए इज इक्वल टू माइनस नाइन अपनी ही जगह है तो ये विथ माइनस साइन होगा माइनस फाइव इक्वल के अपोजिट साइड जाएगा तो इसका साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा माइनस से प्लस नाव माइनस नाइन प्लस दोनों फोर होगा. होगा? होगा और नाइन बड़ा नंबर है और उसका साइन निगेटिव है तो यहाँ क्या माइनस फोर तो हमें ए की वैल्यू तो क्या मिल गई माइनस फोर नाव हम बी की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं मीन्स ये तो क्लियर हो गया ऑप्शन ए नहीं है ऑप्शन डी नहीं है नाउ बी के लिए हमारी इक्वेशन का फॉर्मेट क्या हो जाएगा माइनस सिक्स प्लस फोर प्लस बी इज इक्वल टू माइनस नाइन ठीक है ना इसको सॉल्व करेंगे ये माइनस का है ये पॉजिटिव का है तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा माइनस सिक्स प्लस फोर क्या हो जाएगा माइनस टू मीन्स माइनस टू प्लस बी इज इक्वल टू माइनस नाइन अब बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस नाइन ठीक है माइनस टू का अपोजिट साइड लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस टू नाउ अब एक साइन माइनस है एक प्लस है तो क्या होगा डिफरेंस नाइन और टू का डिफरेंस क्या होता है सेवन ठीक है साइन किसका बड़ा है माइनस का तो यहां क्या माइनस सेवन विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस ए की वैल्यू माइनस फोर एंड बी की वैल्यू माइनस सेवन पेयर एंड फिल इन द बॉक्सेस ठीक है इसमें हमें क्या करना है पहले इनकी वैल्यूज निकालनी है देन हमें इन्हें कंपेयर करना है तो इन्हें हमें बहुत केयरफुली करना होगा पहले हम फर्स्ट पार्ट को करेंगे तो यहाँ आप देखो ये क्या साइन है डिवीजन का है ठीक है अगेन यहाँ बॉडमास का रूल लगेगा बॉडमास में अब ये ब्रैकेट्स में है तो अब बॉडमास की अगर बात करें तो ब्रैकेट के अंदर कोई स्पेसिफिक प्लस माइनस नहीं हो रहा सिर्फ नंबर ही है तो हम क्या करेंगे पहले डिवीजन करेंगे डिवीजन किसका करेंगे 54 को हम डिवाइड करेंगे माइनस तो भी क्या होगा माइनस हम क्या करेंगे 54 54 डिवाइड बाय माइनस नाइन इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा माइनस सिक्स ना वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ क्या माइनस फिफ्टी सिक्स मल्टीप्लाइड विथ माइनस टू प्लस यहाँ क्या हो जाएगा माइनस सिक्स ठीक है नाउ अब हम बॉडमास से इसको पहले क्या करेंगे प्रोडक्ट करेंगे तो फिफ्टी सिक्स को अगर हमने टू से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलता है टू सिक्स जैट ट्वेल्व की टू पावर आई वन टू फाइव जैट टेन और वन से क्या होगा इलेवन और दोनों का साइन माइनस था तो माइनस माइनस से ये क्या हो जाएगा प्लस ठीक है यहाँ पर क्या होगा प्लस और माइनस के प्रोडक्ट से हमें क्या मिलेगा माइनस सिक्स तो अब इनको हमने सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि ये हमारा क्या है पॉजिटिव वन हंड्रेड ट्वेल्व और ये माइनस का सिक्स तो यहां हमें क्या मिलेगा वन जीरो सिक्स विथ पॉजिटिव साइन ठीक है तो ये तो हुआ इस साइड का अब हम इसका अपोजिट साइड करते हैं सेकेंड पार्ट में हमारा माइनस वन सेवेंटी सिक्स डिवाइडेड बाई माइनस सिक्सटीन है देन मल्टीप्लाइड विथ माइनस थ्री माइनस माइनस एटी सेवन है ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हम डिवीजन करेंगे बॉर्ड मास से तो हम डिवीजन किसका करेंगे माइनस वन सेवन सिक्स को माइनस सिक्सटीन से डिवाइड करेंगे ठीक है तो सिक्सटीन से डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस चला जाएगा पहले तो ये हो गया अब सिक्सटीन से अगर आप वन सेवन सिक्स को डिवाइड करो तो क्वेश्चन पे क्या आएगा वन यहाँ क्या आएगा सिक्सटीन माइनस किया वन रिमाइंडर आया ऊपर से हमने सिक्स लिया अगेन सिक्सटीन से डिवाइड किया तो क्वेश्चन की वैल्यू क्या आएगी वन ठीक है तो यहाँ क्या आ गया जीरो मीन्स कि हमें क्वेश्चन की वैल्यू क्या मिल गई इलेवन इसकी वैल्यू क्या होगी इलेवन नाउ अब हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी इसको अगर हम रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा इलेवन मल्टीप्लाइड विथ माइनस थ्री माइनस माइनस एट्टी सेवन ठीक है नाउ अब हमें इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमारा क्या होगा प्रोडक्ट होगा ठीक है तो इलेवन को माइनस थ्री से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा माइनस थर्टी थ्री इलेवन थ्री जगह क्या होता है थर्टी थ्री इधर माइनस और माइनस का प्रोडक्ट होके क्या हो जाएगा प्लस एट्टी सेवन ठीक है नाउ बोथ के साइन डिफरेंट है मीन की सप्रैक्शन होगा 87 से 33 को माइनस करते हैं तो आंसर क्या आएगा 7 से 3 4 8 से 3 5 तो यहां हमें क्या मिलेगा 54 ठीक है नाउ अगर हम यहाँ पे सॉल्व अब हमारी वैल्यूज क्या होगी इस साइड हमारे पास है 106 जीरो सिक्स इस साइड हमारे पास है 54 तो साइन किया होगा ग्रेटर का विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इसमें से हमें क्या ढूंढना है करेक्ट ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स एंड ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर तो दिस इज करेक्ट तो हमें बाकियों की पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ठीक है वैल्यू ऑफ एक्स इन माइनस नाइनटीन मल्टीप्लाइड एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ठीक है तो मैं सबसे ईजी तरीका पहले तो बताती हूँ यहाँ पर देखो आप माइनस नाइनटीन है प्रोडक्ट है ब्रैकेट के अंदर का इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा फोर प्लस और माइनस दोनों अपोजिट साइन है दैट्स वाई क्या आएगा माइनस ठीक है ये हो गया इज इक्वल टू नाउ अगर हम यहां पर देखें अपोजिट साइड में इक्वल के दूसरे साइड में तो दोनों ही टर्म के साथ मीन्स कि फोर के साथ और एक्स के साथ नाइनटीन का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो माइनस नाइनटीन को हम कॉमन ले लें अगर हमें थोड़ा टाइम सेव करना है कॉमन ले लिया तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा इधर से फोर और इधर से हमारे पास क्या होगा प्लस एक्स अब इसका साइन प्लस क्यों होगा बिकॉज यहां पर इसका साइन प्लस है ठीक है नाउ अब ये देखो आप ये ब्रैकेट बाहर कॉमन वैल्यू लेते हैं तो बेसिकली ये प्रोडक्ट ही होता है तो नाउ इस साइड माइनस नाइनटीन है इस साइड माइनस नाइनटीन है दोनों साइड है तो माइनस नाइनटीन से माइनस नाइनटीन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर इनको सॉल्व किया तो हमें क्या बचेगा टू इज इक्वल टू फोर प्लस एक्स तो नाउ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी फोर को अपोजिट साइड लेके जाएंगे टू था ही फोर गया फोर प्लस का था तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस फोर और माइनस फोर किया तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी माइनस टू ठीक है क्योंकि फोर हमारा बड़ा है टू से और फोर का साइन क्या है माइनस दैट्स वाई माइनस टू विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस ठीक है टेल वॉट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इफ वी टूगेदर मल्टीप्लाई वन हंड्रेड नाइनटी नाइन निगेटिव इंटीजर्स एंड टेन पॉजिटिव इंटीजर्स तो इसमें सिंपल क्या बोला है कि अगर हमारे पास वन हंड्रेड नाइन्टी नाइन इंटीजर्स हैं और सभी का साइन क्या है माइनस है उनका और प्रोडक्ट करें और फिर उसका जो आंसर आया उसको हम प्रोडक्ट करें टेन पॉजिटिव नंबर्स के प्रोडक्ट से तो सिंपल सी चीज़ है कि जब हम ऑड नंबर ऑफ टाइम्स निगेटिव नंबर निगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट का साइन नेगेटिव होता है अगर हम इवन नंबर ऑफ टाइम्स निगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा पॉजिटिव होता है ठीक है और पॉजिटिव साइन के केस में आइदर आपका पॉजिटिव हो इवन नंबर हो ऑड नंबर हो इन ऑल केसेस साइन जो होता है प्रोडक्ट का पॉजिटिव ही होता है ठीक है नाउ इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या याद रखना है कि अगर यू आर मल्टीप्लाइंग ऑड नंबर ऑफ निगेटिव नंबर्स देन साइन ऑफ द प्रोडक्ट विल बी निगेटिव इफ यू आर मल्टीप्लाइंग इवन नंबर ऑफ निगेटिव इंटीजर्स देन साइन ऑफ द प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव ठीक है तो यहां पर 199 199 क्या है एक है एक ऑड ऑड नंबर तो नेगेटिव इंटीजर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उस प्रोडक्ट का साइन क्या होगा माइनस ठीक है एंड इधर क्या है टेन पॉजिटिव इंटीजर्स पॉजिटिव के केस में यह होता है कि चाहे ऑड हो चाहे इवन हो ठीक है कितने भी पॉजिटिव नंबर हो सब सबके मल्टीप्लीकेशन का प्रोडक्ट पॉजिटिव ही होता है तो यहां हमें क्या मिलेगा पॉजिटिव इसका साइन क्या हो गया पॉजिटिव तो नाउ माइनस साइन एंड प्लस साइन इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट का साइन क्या होगा माइनस बिकॉज बोथ आर डिफरेंट तो विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस कलेक्शन ऑफ नंबर्स विच कंटेन्स ऑल पॉजिटिव नंबर्स क्या कहते हैं दीज नंबर आर कॉल्ड इंटीजर इंटीजर में क्या होते हैं हमारे निगेटिव नंबर भी होंगे पॉजिटिव नंबर भी होंगे जीरो भी होंगे तो ये हमारे क्या हो जाते हैं इंटीजर्स तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस पेयर ऑफ नंबर ड नॉट हैव अ प्रोडक्ट इक्वल टू थर्टी सिक्स अब हमें बताना है कि यहाँ पे जो विच कॉम्बिने कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसका प्रोडक्ट थर्टी सिक्स नहीं होगा नाउ यहाँ देखो फोर एंड नाइन का मल्टीप्लाई थर्टी सिक्स दोनों माइनस माइनस है मीन प्लस थर्टी सिक्स हो जाएगा ये तो सही है नाउ ट्वेल्व इन टू थ्री 12 into 3 क्या थर्टी सिक्स माइनस है तो ये भी positive हो जाएगा ये करेंगे वी गेट सेवेंटी टू एंड साइन विल बी पॉजिटिव तो दिस इज नॉट इक्वल टू थर्टी सिक्स तो सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द इंटीजर्स अरेन्ज इन डिसेंडिंग ऑर्डर

ठीक है तो हमारा ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा क्योंकि पहले माइनस ट्वेल्व है देन माइनस थर्टी सेवन है माइनस फोर्टी थ्री है लास्ट में हमारे पास सबसे छोटा नंबर होना चाहिए था मीन सबसे बड़ा नंबर तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस के अकॉर्डिंगली क्या कह रहा है विच ऑफ दी नंबर लाइन रिप्रेजेंट माइनस फोर माइनस माइनस टू अब इसमें क्या है माइनस फोर जा रहा है मीन्स की जीरो से माइनस फोर की तरफ आएगा सबसे पहले तो क्या आएगा जीरो से माइनस फोर की तरफ आएगा ठीक है तो यहाँ पे देखो ये जीरो से माइनस फोर है ये गलत है ये जीरो से माइनस फोर है और ये भी गलत है क्योंकि ये वन से जा रहा है तो बी और डी तो खत्म हो गए नाउ अब उसके बाद क्या है माइनस माइनस टू मीन्स पहले आगे आया और फिर उसके बाद माइनस जाना मतलब पीछे जाना तो ये होगा आंसर ए इज द राइट ऑप्शन ठीक है माइनस टू मीन्स की वन एंड टू टू स्टेप्स पीछे जाना तो ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज द एब्सलूट वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू का मींस क्या होता है ये हम साइन लेते हैं की जो भी वैल्यू आएगी उसका हम पॉजिटिव लेंगे ठीक है तो जब मॉड किया तो हम सेम साइन को एक साथ रख लेते हैं माइनस ट्वेंटी एट माइनस सिक्सटी थ्री प्लस ट्वेल्व प्लस फोर्टी टू ठीक है प्लीज रिमेंबर मॉड साइन माइनस ट्वेंटी एट माइनस सिक्सटी थ्री का सेम साइन है दोनों को प्लस करो एट थ्री 11 1, I, 1, 2, 8, 1 से इलेवन की वन पावर आई वन सिक्स प्लस टू एट और एक से नाइन ठीक है विथ माइनस साइन बिकॉज दोनों का साइन ही निगेटिव था प्लस ट्वेल्व प्लस फोर्टी टू 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 से फोर फोर वन से फाइव और ये मॉड का साइन नाउ व्हाट इज द डिफरेंस इलेवन से फोर गया सेवन तो नाइन ने बोरो दिया था तो एट बिकम्स एट एट से फाइव गया थर्टी सेवन विथ माइनस साइन नाउ ये मॉड है मीनस एप्सलूट वैल्यू लेनी है तो एब्सुलूट वैल्यू क्या होगी थर्टी सेवन ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन इफ ए एंड बी आर इंटीजर एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अब इसमें से बताना है कौन सा इनकरेक्ट होगा तो चलो मैं एक एग्जांपल लेके कर लेती हूँ ए इज इक्वल टू हम टू ले लेते हैं बी इज इक्वल टू थ्री ले लेते हैं अगर हम पहले केस में रखें तो क्या होगा टू प्लस थ्री इज इक्वल टू थ्री प्लस टू तो ये तो करेक्ट है हमें तो इनकरेक्ट ढूंढना था तो पहला तो सही है नाउ सेकंड अब देखते हैं सेकंड के केस में क्या है ए माइनस बी मीन्स टू माइनस थ्री

मार्क्स, नाइन करेक्ट आंसर वरुण क्वेश्चन बताना है कि आशा ने कितने क्वेश्चन गलत किए एंड वरुण ने कितने किए तो फर्स्टली वी फाइंड द वैल्यू फॉर आशा आशा ने स्कोर्ड किए ट्वेंटी सिक्स ठीक है क्लियर है एंड माइनस टू हुए उसके एवरी रॉन्ग के लिए और उसने करेक्ट आंसर तो कितने होंगे थर्टी सिक्स मार्क्स का सही किया था बट उसका जो फाइनल स्कोर है that is 26. 26. तो इनका जो डिफरेंस है वो क्या हो गया टेन और एवरी रॉन्ग आंसर के लिए माइनस मार्क्स कितने हो रहे टू तो टेन मार्क्स माइनस हुए तो कितने क्वेश्चन टेन को डिवाइड किया टू से तो वी गेट फाइव मीन्स की आशा ने जो दिए थे फाइव रॉन्ग आंसर दिए थे तो सी इज द राइट ऑप्शन हमें दूसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है बट हो सकता था कि ए बी डी किसी और में भी ऑप्शन फाइव अवेलेबल होता इन दैट केस हमें दोनों चेक करने पड़ते तो हम दूसरा भी चेक कर लेते हैं ठीक है नाउ अब हम चेक करते हैं वरुण का वरुण के केस में क्या है ही स्कोड टू मार्क्स ओनली ठीक है ही गॉट फाइव करेक्ट आंसर उसने फाइव करेक्ट आंसर दिए थे मीन्स ही स्कोर्ड फाइव इंटू फोर इज इक्वल टू ट्वेंटी ठीक है इतने उसने करेक्ट किए थे बट जो फाइनल स्कोर आया दैट वॉज टू तो डिफरेंस क्या हो गया इनका डिफरेंस हो गया एटीन ठीक है एटीन डिफरेंस हो गया तो एटीन को हमने टू से डिवाइड किया तो वी गेट आंसर नाइन ठीक है तो नाइन तो ये हो गया एक तो ये तरीका था और दूसरा ये था कि जब हमने पहले वाले के में पता कर लिया था कि नाइन करेक्ट थे फाइव रॉन्ग थे तो ऑब्वियस है वरुण के केस में अगर उसके फाइव करेक्ट हैं तो नाइन रॉन्ग होंगे क्योंकि क्वेश्चंस तो सेम ही है ना तो आप ये वाला ऑप्शन ना भी करो तो चलेगा वहां से ही आपको कैलकुलेट हो जाएगा तो सी इज द राइट ऑप्शन अंकुश गॉट रूपी फाइव हंड्रेड ऑन हिज बर्थडे ठीक है ऑन द नेक्स्ट डे सबसे पहले उसको क्या मिला फाइव हंड्रेड तो मैं उसको प्लस करती जाऊंगी फाइव हंड्रेड ऑन हिज बर्थडे ऑन द नेक्स्ट डे ही गॉट थ्री फिफ्टी एज पॉकेट मनी फ्रॉम हिज फादर उसको और कितने मिले थ्री हंड्रेड ठीक है फ्रॉम वापस मिला Means की प्लस वन सेवन एज रिवॉर्ड नाउ हाउ मच मनी वुड ही हैव तो इन तीनों को तो हम प्लस कर देते हैं जो उसको पॉजिटिवली मिले हैं तो जब इनको प्लस किया तो जीरो 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 से क्या आएगा जीरो फाइव प्लस सेवन ट्वेल्व की टू पावर आई वन 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 टू टू थ्री फाइव फाइव प्लस फाइव क्या हो जाएगा टेन ठीक है माइनस कितना करना है टू सेवन फाइव माइनस कर देते हैं टेन से फाइव गया फाइव इलेवन से सेवन गए फोर ठीक है नाइन से टू गए सेवन आंसर क्या होगा सेवन हंड्रेड फोर्टी फाइव मीन ऑप्शन ए इज करेक्ट इन अकाउंट बुक आई राइट पॉजिटिव नंबर फॉर प्रॉफिट एंड निगेटिव नंबर फॉर लॉस अगर कोई प्रॉफिट होता है तो हम उसको शो करेंगे बाई पॉजिटिव एंड अगर कोई लॉस होता है तो उसको शो करेंगे बाई माइनस साइन दैट आई मेक इन माई बिजनेस फॉलोइंग आर द एंट्रीज इन द बुक फॉर लास्ट सेवन डेज दिस इज द एंट्रीज हाउ मच प्रॉफिट डिड आई मेक इन द लास्ट वीक तो हमें बताना है कि कितना उसको प्रॉफिट मिला ठीक है तो यहां पर हम जब करेंगे तो सबसे पहले तो हम सारे जो प्लस साइन वाले नंबर हैं उनको एक साथ और माइनस वालों को एक साथ कर लेते प्लस का क्या है ट्वेंटी वन ठीक है देन क्या है इलेवन फिर क्या है सेवनटीन फिर क्या है ट्वेंटी फाइव इनको हम ऑल टूगेदर एड करते हैं तो वन प्लस वन टू टू प्लस सेवन नाइन नाइन प्लस फाइव फोर्टीन की फोर पावर आई वन तो यहां पर वन एड हो जाएगा ना टू के साथ है, तो 1 प्लस टू थ्री फोर फाइव और टू सेवन फोर सेवन फोर तो उसका क्या हुआ प्रॉफिट हुआ नाउ जो उसके लॉसेज हैं वो माइनस से हैं तो उनको हम अलग कर लेते हैं माइनस नाइनटीन फिर क्या है माइनस ट्वेंटी उसके बाद क्या है माइनस थर्टीन ठीक है ये सारे माइनस साइन के साथ है तो इनको प्लस करते हैं नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व की टू पावर आई वन वन प्लस वन टू टू प्लस टू फोर फोर प्लस वन फाइव ठीक है ये बट लॉस था दैट्स वाई विथ माइनस साइन होगा अब हमें जब नेट प्रॉफिट निकालना है तो इस प्रॉफिट से इस लॉस को प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा सेवन प्रॉफिट टोटल था सेवेंटी फोर लॉस क्या है फिफ्टी टू Minus gear 4 to 2 gaya 2, 7 5 gaya 2, 22 means option B is correct for this. An elevated descends into a mine shaft at the rate of 8 meter per minute. If the descents start from 12 meter above the ground level, how long will it take टू रीच माइनस फोर सिक्स मीटर ठीक है सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि डिस्टेंस कितनी है ठीक है सपोज दिस इज ग्राउंड ग्राउंड से ट्वेल्व मीटर की दिस इज मीटर ठीक है नाउ अब ग्राउंड के नीचे माइनस का means है ग्राउंड के नीचे ये हो गया माइनस फोर सिक्सटी एट तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी यहां से यहां तक हम प्लस कर लें ठीक है प्लस करें मीन्स की हमारा क्या हो जाएगा ट्वेल्व ठीक है प्लस फोर सिक्स एट इज इक्वल टू टू प्लस एट से टेन की जीरो पावर आई वन सिक्स प्लस वन सेवन सेवन प्लस वन से एट और यहां हो गया फोर एट्टी ठीक है तो ये तो हमें डिस्टेंस पता चल गई अब इन्होंने पूछा कितना टाइम लेगा वो एक मिनट में एट मीटर जाता है तो इतने के लिए कितना मिनट लगेंगे फोर एट्टी को आप डिवाइड करो बाई एट क्या करेंगे फोर एट्टी को हम डिवाइड करेंगे बाई एट ठीक है तो टाइम ज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड तो टी इज इक्वल टू जो हमने यहां लिख रखा है फोर एटी स्पीड इज एट ठीक है तो यहां क्या आ जाएगा एट सिक्स या फोर्टी एट और जीरो तो आंसर होगा सिक्सटी मिनट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस टीवर सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन द फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस At different places on particular day. फाइंड पी क्यू एंड आर हमें किसके वैल्यू फाइंड आउट करनी है पी क्यू एंड आर की नाउ स्टेटमेंट द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोलेस्ट प्लेस इज तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए हॉटेस्ट प्लेस क्या होगी जिसका टेम्परेचर मोर पॉजिटिव होगा और कोलेस्ट क्या होगी जिसका टेम्परेचर मोर निगेटिव होगा तो मोर निगेटिव पे क्या है कश्मीर और मोर पॉजिटिव पे क्या है मेरठ ठीक है तो नाउ इनके टेम्परेचर फाइंड आउट कर लेते हैं तो इनके टेम्परेचर जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे देखो आप मेरठ के लिए टेम्परेचर ये है ट्वेंटी फाइव जस्ट उससे जस्ट एक पहले मीन्स मेरठ का टेम्परेचर हो गया ट्वेंटी फोर डिग्री कश्मीर का देखते हैं दिस इज उससे एक और माइनस एक और माइनस मीन्स माइनस सेवन कश्मीर का क्या हो गया माइनस सेवन ये हो गया फॉर मेरठ और कश्मीर का हो गया माइनस सेवन ये हो गया कश्मीर का तो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस डिफरेंस क्या हो जाएगा चलो डिफरेंस निकालते हैं इनका डिफरेंस होता है मैक्सिमम टू मिनिमम मैक्सिमम की वैल्यू क्या है ट्वेंटी फोर माइनस माइनस सेवन मिनिमम है तो ये हो जाएगा ट्वेंटी फोर प्लस सेवन इज इक्वल टू थर्टी वन डिग्री तो नाउ पी की वैल्यू थर्टी वन दो ऑप्शन में है आइदर ए और सी ठीक है पी इज इक्वल टू थर्टी वन नेक्स्ट इसमें क्या पूछा है द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन यमुना नगर एंड पठानकोट यमुना नगर एंड पठानकोट का टेम्परेचर फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले तो हम तो थोड़ा सा जूम करते हैं पठानकोट का टेम्परेचर जीरो से जस्ट पहले है मीन्स माइनस वन ठीक है यमुनानगर यमुनानगर दिस इज ट्वेंटी और वी कैन से दिस इज फिफ्टीन फिफ्टीन के जस्ट टू बाद मीन्स की सेवनटीन तो डिफरेंस क्या हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू इज सेवनटीन माइनस माइनस मिनिमम वैल्यू माइनस वन है पठानकोट की तो ये हो जाएगा सेवनटीन प्लस वन इज इक्वल टू एटीन ठीक है ना क्या हो गया एटीन तो डिफरेंस क्या हो गया 18 तो अब हम अपना ऑप्शन देख लेते हैं हमारे पास क्यू की वैल्यू क्या आ गईन शी कर भी करेक्ट बिकॉज 31 भी 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 है है 18 चलो हम लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं लास्ट टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन पठानकोट एंड कश्मीर पठानकोट का ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया था माइनस वन और कश्मीर का कैलकुलेट किया था माइनस सेवन तो यहाँ डिफरेंस जब निकालेंगे मैक्सिमम वैल्यू क्या है माइनस वन पठानकोट की माइनस मिनिमम वैल्यू कश्मीर की है माइनस सेवन ठीक है तो माइनस वन और ये माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस सेवन तो यहां क्या जाएगा प्लस सिक्स मीन की सिक्स डिग्री तो सी इज द राइट ऑप्शन ठीक है नाउ सेकेंड लास्ट क्वेश्चन

तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हमारा बॉड मास यूज होगा तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं सारे ही जैसे से लग रहे हैं तो करी लेते हैं यहाँ पर बॉर्ड मास करेंगे तो सबसे पहले हमारा ये डिवीज़न होगा यहाँ पर माइनस फोर्टी टू डिडेड बाई माइनस थ्री है ठीक है तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस साइन कैंसिल और यहाँ पर क्या आएगा फोर्टीन ठीक है क्या आएगा दिस साइन विल बी दिस वैल्यू विल बी फोर्टीन तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं नाउ अगर हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे पहले तो ट्वेंटी टू मल्टीप्लाइड विथ विद -36 14 ठीक है अब इसको सॉल्व करेंगे तो अब पहले क्या होगा प्रोडक्ट होगा 22 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा 36 टू द 72 की टू पावर इज 7 36 टू द 72 72 7 क्या होगा 79 साइन क्या होगा माइनस बिकॉज़ 36 का साइन माइनस है और 22 का प्लस है ठीक है यहां पे क्या होगा प्लस फोर्टीन इसको हम हटा देते हैं नाउ इनका क्या हमें लेना होगा डिफरेंस टू से फोर टू से फोर जाएगा नहीं तो बोरो करेगा तो 12 से माइनस किया एट नाइन ने तो माइनस किया तो सेवन सेवन विथ माइनस साइन ठीक है ये क्या होगा माइनस सेवन सेवन एट अब इसका हम सेकेंड साइड सॉल्व करते हैं तो सेकेंड साइड में क्या है नाइन इंटू फिफ्टी सिक्स इंटू माइनस एट ठीक है तो इनका हमें मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई करके आप देख लो मिल जाएगा आपको ये सिंपल क्लियरली दिख रहा है नाइन एट सिक्सटी थ्री हो गया फिर उसमें हम फिफ्टी सिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो काफी बड़ा नंबर आएगा जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिल रही है दैट इज माइनस फोर जीरो थ्री टू मीन्स की दिस नंबर इज बिगर बट विथ माइनस साइन माइनस साइन हो गया मीन्स की ये नंबर बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया

माइनस सिक्सटीन डिवीजन साइन ठीक है अंडर ब्रैकेट माइनस ट्वेल्व माइनस फोर ठीक है ठीक है ना ये दोनों का साइन सेम है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस सिक्सटीन डिवाइड बाई माइनस सिक्सटीन सिक्सटीन को सिक्सटीन से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा वन ठीक है दिस वैल्यू इज इक्वल टू वन अब इसका हम दूसरा साइड सॉल्व करते हैं ट्वेल्व डिवाइडेड बाई माइनस थ्री माइनस जीरो मीन्स ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ट्वेल्व डिवीजन का साइन अंडर ब्रैकेट माइनस थ्री माइनस जीरो तो यहाँ हमें क्या मिलेगा माइनस थ्री ही मिलेगा ट्वेल्व डिवाइडेड बाय माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस फोर नाउ ये वन है ये माइनस फोर है ये नेगेटिव है तो ऑब्वियसली माइनस फोर इज लेस वन इज ग्रेटर तो यहाँ ग्रेटर का साइन आएगा तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस ठीक है तो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा स्टिल यू हैव एनी डाउट इफ यू हैव एनी सजेशन तो प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन थैंक यू